काय विस्तार करुछि ओमिक्रॉन सेतिपई भारत रे बढ़िला चिंता। मुंबई रु दुई ओमिक्रॉन पॉजिटिव चिन्हट होइथिया बेले एबे सुद्धा देश रे 23 जनक ठारे कोरोना रे नुवा वेरिएंट बाहरिछि। केवल महाराष्ट्र रो 10 जनक ठारे ओमिक्रॉन पॉजिटिव बाहरलाणी। सब राज्य को कड़ाकड़ी नियम पालन करबाकु निर्देश देइछंती केंद्र सरकार। विशेष करी विदेश फेरंता को उपरे कड़ा नजर रखा जाइछि। विमान बंदर रे विदेश रु आस्तिबा यात्री को पई आरटीपीसीआर टेस्ट बाध्यतामूलक करा जाइछि। तेरे ओडिशा रे भी विदेश फेरंता कर किछि पत्ता मिलु नाही, जहां राज्य सरकार को पई बड़ समस्या सृष्टि करिछि। पूर्वरु रूस, भारत एवं यूरोप मध्ये गोटिए परे गोटिए राज्य रे पाद थापुछि कोरोना रो नुवा वेरिएंट ओमिक्रॉन। प्रथमे कर्णाटक रे दुई जनों को ठारे ठाबो हुई थी ओमिक्रॉन भूताणु एबे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं दिल्ली रे देखा देलानी। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय सूचना अनुसार गत 24 घंटे देश में 21 ओमिक्रॉन केस सामना को आसी। गत 24 घंटे देश में 8306 जनों ठारे कोविड पॉजिटिव बाहरी बेले 211 जन प्राण हर। मृतकों मध्य 23 जन केवल केरल। गत 24 घंटे 8834 जन सुस्थ होता बेले एवं सारा देश में 98416 आक्टिव केस रही। ओमिक्रॉन मामला मध्य महाराष्ट्र पुणे जिलूर रही 6। इमाने समस्ते गोटिए परिवार रो। राजस्थान जयपुर रु 9 जनों ठारे बाहरी ओमिक्रॉन। किछि दिन तले इमाने समस्ते दिल्ली रे एक विवाह उत्सव रे जोग देथिले। दिल्ली रे जने 30 वर्षीय युवकों ठारे ओमिक्रॉन भूताणु बाहरी बेले तांकु लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। कर्णाटक चिकमागलुर रे जवाहर नवोदय विद्यालय रे गत 24 घंटे 34 जनों ठारे पॉजिटिव बाहरी बेले वर्तमान सुधा से ही स्कूल 103 जन पॉजिटिव बाहरी। गोटिए परे गोटिए शिक्षानुष्ठान बाहरुछि कोरोना। तथापि वर्तमान स्कूल कॉलेज बंद हेबार नाही। परिस्थिति से भली उपजी नथिबा कहिसंती कर्णाटक सरकार। सेपटे पुणे रे वर्तमान से भली किछि कटकणा लागू करिवार नाही। लोके गुजब रे विश्वास न करिबा पई पुणे मेयर निवेदन करिसंती। तेबे लोके सचेतन रही कोविड कटकणा अनुपालन करिबा पई पुणे मेयर कहिसंती। नवंबर 25 तारीख रे दक्षिण आफ्रिका रे प्रथमे कोरोना रो नुआ वेरिएंट B11529 बा ओमिक्रॉन चिन्हट होइथिला। वर्तमान सुधा यह भारत समेत 32 देश रे देखा देलानी। भूताणु रो एही नुआ म्यूटेशन अति मारात्मक बोली विश्व स्वास्थ्य संगठन चेताई सारिछि। दक्षिण आफ्रिका रे वर्तमान सुधा 16000 लोकंक ठारे ओमिक्रॉन चिन्हट होइथिबा बेले केवल सोमवार 2300 जन पॉजिटिव बाहरिछंती। विदेश फेरंतांको उपरे कड़ा नजर रखा जाइछि। विमान बंदर रे विदेश रु आसीथिबा यात्रींको पई आरटीपीसीआर टेस्ट बाध्यतामूलक करा जाइछि। दिल्ली विमान बंदर रे यात्रींको प्रबल भीड़ हेउथिबारु स्थिति सुपरिचालना पई बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उच्चस्तरीय बैठक करिछंती। सेपटे देश रे ओमिक्रॉन स्थिति उपरे अनुध्यान करिबा पई आसंता 8 तारीख रे स्वास्थ्य संक्रांत संसदीय स्टैंडिंग कमिटी बैठक बसिबो, जेउथिरे केन्द्र स्वास्थ्य सचिव एवं स्वास्थ्य विभाग अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी माने उपस्थित रहिबा पई कुहा जायछि। आम राज्य ओडिशा रे मध्य चिंता बढ़ाइछंती विदेश फेरंता। 40% विदेश फेरंता एजाए ठाबो होई पारु नाहंती। एबे सुधा विभिन्न देशरु ओडिशा को फेरिछंती 800 रु अधिक यात्री। एयार सुविधा पोर्टाल रे भूल फोन नंबर, भूल ठिकणा देइथिबा कारणरु सेमानंक मध्यरु 40% यात्रींकु ठाबो करिबा संभव हेउ नाही। एयार सुविधा पोर्टाल रे सेल्फ डिक्लारेशन व्यवस्था थिबारु एमितिकी अनेक यात्री अन्य राज्यर ठिकणा मध्य देउछंती, जाकी विदेश फेरंतांक ट्रेसिंग रे समस्या सृष्टि करुछि। तेबे वर्तमान सुधा कोनोसी आक्रांत फेरंता व्यक्ति पॉजिटिव चिन्हट होइथिबा जणा पड़ी नाही। ओमिक्रॉन मुकाबिला पई पदक्षेप निया जाउथिबा जनस्वास्थ्य निर्देशक कहिछंती। तेणु सरकार तथ्य जिला को पठा जाइथिबारु लोकमाने स्वतप्रवृत भाव में आसी टेस्ट करांतु। निजकु एवं निज परिवार को संक्रमण रक्षा करिबा पई टेस्टिंग करी पॉजिटिव कि नेगेटिव जानंतु। एहा हेले कोरोना व्यापी पारिबो नाही। सेभली विदेश फेरंता माने प्रोटोकॉल मानि 7 दिन संगरोधरे रहिबा परे 8म दिन टेस्ट करांतु बोली जनस्वास्थ्य निर्देशक कहिछंती। वर्षा एवं बात्या सत्वे राज्य में टीकाकरण जारी रहिछि। वर्तमान सुधा राज्य में 4,45,00,000 डोज टीका दिया सरलाणी। 86% प्रथम डोज एवं 51% द्वितीय डोज नहीं। आम गोटे प्रोटोकॉल जारी करो अनुसार जो मैंने आर्ट रिस्क एंट्रू आस
ସେମାନେ ତ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମ କାମ ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ସାତ ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିଲା ପରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଯଦି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ହୋଲ୍ ଜିନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରାଯିବ କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ କେବଳ ଜିନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେବଳ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପ୍ରଭାବ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଟିକାକରଣ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି 4,45,00,000 ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦେଇସାରିଲୁଣି ତା ଭିତରୁ 86% ଅଧିକା ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ଶତକଡ଼ା 51% ଲୋକ ଆମର ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଲେଣି ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଛି କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 50% ଲୋକ 2 ଯାକ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଲେଣି ଟିକାକରଣରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତେବେ ଅବହେଳା ନକରି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି